तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनिल कुशवाहा और आप देख रहे हैं अनिल स्टडी सेंटर। दोस्तों हम आपको बताएंगे अब दोस्तों हम आपको बताएंगे कि जो क्लास 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 2 के में, जो चैप्टर 2 में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें बताएंगे। दोस्तों इसको बताने से पहले मैं एक चीज़ बता दूँ, जो कल मैंने चैप्टर बताया था उसमें दोस्तों हमने चैप्टर का नाम ही गलत लिख दिया था। चैप्टर का नाम उसमें हमने लिख दिया था नंबर सिस्टम। दोस्तों वहाँ पर नंबर सिस्टम नहीं होगा वहाँ पर। ये तो चैप्टर दोस्तों कक्षा 9th में है, क्लास 9th में ये है। तो अब यहाँ पर होगा वास्तविक संख्या। दोस्तों चैप्टर का नाम आप कर लेना सही, तो ये मेरे से गलती हुई, किसी ने कमेंट में भी नहीं बताया। चलिए दोस्तों कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना इस बात का। चलिए दोस्तों आगे का वीडियो जो इसमें है वो आगे बताते हैं आपको, चैप्टर 2 क्लास 10th मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भाई अनिल कुशवाहा, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। दोस्तों वीडियो शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ जिससे वो भी पढ़ सकें। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे जो बहुविकल्पी एक नंबर में क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में बात करेंगे। चलिए दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपके सामने ये क्वेश्चन आ रहा होगा एक, कि निम्न में से कौन सा बहुपद है, कौन सा बहुपद नहीं है। दोस्तों इस मतलब कि मैं ये बताऊंगा, इसी चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। हो सकता है यहाँ पर अब आपको √3 तो √2 कर दें, तो दोस्तों अंक चेंज हो जाएंगे, लेकिन इसी टॉपिक से रिलेटेड, इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। अब जैसे दोस्तों यहाँ पर दिया बहुपद नहीं है, तो हो सकता है बहुपद है के लिए दे दें। दोस्तों ये चीज़ आपको देखना है दोस्तों। तो अब मैं आपको बताऊँगा ये कैसे पहचानेंगे। सबसे पहले आप ये देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि आप बहुत बार ये गलती करेंगे कि निम्न में से कौन सा बहुपद है। आप जल्दी जल्दी में नहीं को नहीं पढ़ेंगे और पढ़ लेंगे निम्न में से कौन सा बहुपद है, आप देखेंगे टिक लगा देंगे। आप पहला देखेंगे पहले भी टिक लगा देंगे, दूसरा देखेंगे दूसरे टिक लगा देंगे। दोस्तों इस चीज़ से आपको बचना है, क्वेश्चन बिल्कुल आपको ध्यान से पढ़ना है। चलिए दोस्तों इसके बारे में बताते हैं हम, निम्न में से कौन सा बहुपद नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो है ऑप्शन नंबर D। अब कौन सा बहुपद नहीं है, अब आप पूछेंगे ये कैसे। दोस्तों चलिए हम बताते हैं आपको कैसे बहुपद नहीं है। दोस्तों देखिए, बहुपद ना होने के कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशन को फॉलो करके ही हमारा जो पद होता है वो बहुपद बनता है। सबसे पहले ये कंडीशन है कि यदि किसी मतलब कि अगर रूट के अंदर संख्या लिखी है और वो सिंगल घात में, जैसे √x या फिर रूट कोई भी XYZ ABC को लिखा हो और रूट के अंदर हो तो वो बहुपद नहीं होगा, और पावर 1/2 या 3/2 या बटे में कुछ है तो वो भी बहुपद नहीं होगा। दोस्तों देखिए इसमें क्या है कि जो अचर पद है वो कोष्ठक में है, तो ये भी हमारा बहुपद है। ये इसमें देखिए, इसमें भी अचर पद हमारा कोष्ठ उसमें सॉरी दोस्तों रूट के अंदर है, अंडर रूट के अंदर है, तो ये भी हमारा बहुपद है। बट दोस्तों यदि हमारा जो चर पद है, चर पद मतलब ABCD XYZ, ये अगर हमारे रूट के अंदर आ जाएंगे तो वहीं पर हमारा बहुपद नहीं हो जाएगा। इसमें देखते हैं, तो इसमें भी X³ है, X³ X² है, रूट में है, तो अचर पद रूट में है। ये दोस्तों यहीं पर चर पद रूट में आ जाता तो ये भी ये बहुपद नहीं हो जाता, बट यहाँ पर √2 कोष्ठक में है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और दोस्तों यदि एक चीज़ और है, यदि ये यक्ष यहाँ पर बटे में होता मतलब कि हर के रूप में होता तो भी हमारा बहुपद नहीं होता। जैसे D नंबर दिया हुआ है यहाँ पर, ये जो हमारा यक्ष है ये हमारा दिया हुआ है अपॉन में मतलब कि हर में, तो ये हमारा बहुपद नहीं होगा। तो ये हमारा D नंबर ऑप्शन सही है, ऑप्शन D सही है। उसके बाद दोस्तों दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। एक द्विघात बहुपद जिसके शून्य 5 और -3 है, तो कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि क्या इसका फार्मूला होता है। सबसे पहले ये शून्य, एक शून्य को मानेंगे अल्फा, दूसरे शून्य को मानेंगे बीटा। अब हमें पता है जो द्विघात बहुपद के लिए बनाने के जो फार्मूला होता है वो होता है X²-α+β(x)+α×β। ये द्विघात बहुपद के लिए है, ये है बहुपद के लिए। यहीं पर अगर द्विघात समीकरण होता तो बराबर 0 कर देते, बट यहाँ पर द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद में दोस्तों X²-α और बीटा का मान यहाँ पर रख देना है 5, और प्लस यहाँ पर बड़ा कोष्ठक लगेगा क्योंकि यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, 5 × अब दो चिन्ह एक साथ नहीं आते इसलिए कोष्ठक का प्रयोग करेंगे हम, ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे। X² प्लस माइनस हो जाएगा माइनस,
यहाँ पर होगा यक्स, और प्लस माइनस माइनस 5 और गुणा 3 में तो 15, ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस 2x-15, ये हो गया आंसर। जो इसमें ये होगा वही सही हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी देखिए वही का मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। दोस्तों ये दो क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखिए क्या दिया हुआ। तीसरा क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि यम का वह मान जिसके लिए 4x² - 6x - m यक्स -3 से पूर्णतः विभाजित हो, तो वह कौन सा मतलब कि होगा यम का मान जो मतलब इससे विभाजित हो। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यदि ऐसा क्वेश्चन आता है यम का वह मान जिसके लिए कोई बहुपद दिया हो उसके बाद दिया हो कि पूर्णतः विभाजित हो, तो जिससे वह विभाज्य होगा उसका वह एक गुणनखंड होगा। तो ये आपको पता, जैसे हम कहें कि 4 2 से विभाजित है, तो यहाँ पर जो 4 जो 2 होगा ये 4 का एक हमारा एक गुणनखंड होगा। कैसे होगा ये देखिए, ये एक गुणनखंड आ गया 2। तो इसी तरह दोस्तों इसमें भी है, तो ये गुणनखंड होगा। तो जो यक्स -3 है, यक्स -3 4x² - 6x - m का गुणनखंड होगा। जब गुणनखंड होगा तो दोस्तों जब गुणनखंड होता है हमने पढ़ा है पहले कि बराबर करके 0 निकाल के यक्स का मान रखते थे, तो यक्स -3 = 0 कर लेंगे, तो यक्स बराबर हो जाएगा 3। तो यक्स का मान आपको यहाँ पर रख के वैल्यू निकाल लेना है, 4x² - 6x - m। अब जब मान रखेंगे तो बराबर ले लेंगे 0, यक्स का मान रखना है आपको, 3 का स्क्वायर कर देंगे 9 हो जाएगा, यहाँ 18 यहाँ m बराबर 0, 9 चौको 36, 36 में 18 घटा देंगे तो 18 बचेगा। और उसके बाद दोस्तों यम बराबर 18, ये 36 में 18 18 बचेगा, ये हमको जल्दी देंगे प्लस का हो जाएगा, तो विकल्प नंबर ए सही है। तो ये दोस्तों 3 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे जो बहुविकल्पी में 1 नंबर में इस तरह से आपके आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं इस तरह से। दोस्तों आगे जो इसी में एक दो क्वेश्चन और उनको देखते हैं बहुविकल्पी में। चलिए दोस्तों वीडियो आप लगातार देखते रहिए। दोस्तों बहुविकल्पी में आपके इतने से बाहर नहीं जाएगा, इन्हीं से रिलेटेड आएगा। आगे जो अति लघु उत्तरी होते हैं, अति लघु उत्तरी में आपके 2 टाइप में आते हैं, एक में 2 नंबर और दूसरे में भी 2 नंबर। पहले जो आपका पहला नंबर क्वेश्चन होगा वो होगा बहुविकल्पी, जो दूसरा नंबर क्वेश्चन होगा वो होगा अति लघु उत्तरी, वो भी 2 नंबर का। जो तीसरा नंबर क्वेश्चन होगा वो भी 2 नंबर का होगा, वो भी अति लघु उत्तरी होगा। तो दोस्तों चलिए इसको देख लेते हैं, अति लघु उत्तरी जो आपके एग्जाम में 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, यदि बहुपद ये के शून्य का गुणनफल इतना है तो ए का मान ज्ञात करना है। दोस्तों ए का मान ज्ञात करना है, यहाँ पर बहुपद दिया हुआ है। सबसे पहले दोस्तों देखिए ये हम लिख लेंगे x² - 6x - 6, इससे हम यहाँ पर ए बी सी का मान निकाल लेंगे, क्योंकि जो बहुपद का शून्य का गुणांक होते हैं उसका फार्मूला होता है, तो उसी के अनुसार हम निकालेंगे। चलिए दोस्तों इसको देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि इसकी कर लेते हैं तुलना, हम इसकी कर लेंगे तुलना। जो दोस्तों देखिए अब यहाँ पर ये ए दिया हुआ है, ये ए यहाँ पर दिया हुआ है, बट यहाँ पर अगर हम इससे तुलना करेंगे ax² + bx + c से, तो यहाँ पर ए का ये ए हो जाएगा, इसलिए हम इसको कैपिटल कर लेंगे, ax² + bx + c से तुलना। जब तुलना करेंगे तो ए का मान निकलेगा ए स्मॉल ए, फिर बी का मान निकलेगा -6 चिन्ह सहित, सी का मान निकलेगा -6। तो उसके बाद दोस्तों देखते हैं इसमें क्या करना है। तो देखिए जो जो चीज़ दी हुई है, ये दिया हुआ है शून्यकों का गुणनफल, तो यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। जो फार्मूला इसका होता है वो हमने पढ़ लिया है, इसका फार्मूला होता है c/a, जो फार्मूला होता है वो होता है c/a। अब शून्यकों का गुणनफल दिया कितना है, इसकी जगह रखेंगे 4, सी का मान है -6, ए का मान ए। अब इसका हम -6 ये ले जाएंगे इधर, ये लाएंगे इधर, अब इसका निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 3/2, वो भी का आएगा माइनस का, तो माइनस का 3/2 इसका
ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो दोस्तों ये था अदिलगुत्ती का 2 नंबर में क्वेश्चन, अदिलगुत्ती 2 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 में दोस्तों देखिए क्या है और किस तरह से आपसे अदिलगुत्ती में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये देखिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप वीडियो पूरा देख लीजिए। विथ सल्यूशन मैं बता रहा हूँ आपको, पूरा सल्यूशन करके बता रहा हूँ कि कैसे आपको करना है एग्जाम में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, किसी बहुपद पी एक्स के लिए वाई बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे दिए गए हैं। पी एक्स के शून्य की संख्या, पी एक्स दोस्तों जब कहेगा पी एक्स के शून्य की संख्या पी एक्स के लिए, तो जहाँ पर जो ये हमारे दिए हुए जो ये, तो जो यहाँ पर कटेंगे यदि एक्स अक्ष पर जहाँ पर कटेंगे जितनी बार कटेंगे तो वही हमारा शून्य हो जाएगा। वाई के लिए नहीं ले क्योंकि यहाँ पर कह रहा है पी एक्स। दोस्तों पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। तो इसमें दिया हुआ है ये हमारे चतुर्थांश दिए हुए हैं, ये एक्स अक्ष है, ये एक्स डैश, ये वाई डैश। अब दोस्तों हमें देखना है कि जो ये बने हुए हैं जो दर्शाए गए हैं ग्राफ, तो इसमें देखते हैं कि यहाँ पर जो वाई एक्स है, एक्स अक्ष पर है ये कहाँ कहाँ पर कट रहा है। तो यहाँ पर देखिए हमें प्रश्न नंबर 1 में कहीं पर भी कोई भी चीज़ यक्ष अक्ष पर, कोई भी ग्राफ यक्ष अक्ष पर नहीं काट रहा है, ना यक्ष अक्ष पर ना यक्ष डैश अक्ष पर। तो यहाँ पर हो जाएगा शून्य, शून्यकों की संख्या हो जाएगी यहाँ पर हमारी 0। दूसरा क्वेश्चन, यक्ष अक्ष को जितनी बार काटेगा ग्राफ, तो यहाँ पर देखिए एक को एक भी बार नहीं कट रहा है, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक में देखिए एक बार, तो शून्य की संख्या हो जाएगी 1। तीसरा नंबर, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक में एक बार कट रहा है, यहाँ से यहाँ तक में एक बार ये आया, एक बार ये, तो ये 1, ये 2, ये 3, तो यहाँ लिख देंगे शून्यकों की संख्या 3। बस ये दोस्तों इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेपर में, एग्जाम में। तो दोस्तों आपको टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है, आप बस वीडियो देखते रहिए, मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। और दोस्तों वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, आगे हम इसी तरह के अदिलगुत्ती 2 नंबर में जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके बारे में हम करेंगे बात। चलिए दोस्तों आगे वीडियो करते हैं स्टार्ट, स्टार्ट किया आगे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। आगे है ये आपका बहुपद दिया हुआ है, द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना है। हमने शॉर्ट में क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन पूरा इस तरह दिया होगा कि यक्ष द्विघात बहुपद इतने के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जाँच कीजिए। तो दोस्तों आपको टेंशन नहीं लेना, मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से बताऊंगा। दोस्तों ये दिया हुआ है हमारा द्विघात बहुपद, ये हमारा द्विघात बहुपद दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या करते हैं इसको ए, दोस्तों देखिए यहाँ पर ए बी सी हम कुछ भी मान सकते हैं क्योंकि हम ये स्मॉल में मानेंगे, से तुलना हम करेंगे यहाँ तुलना, तो ए का मान हो जाएगा देखिए यक्स यक्स स्क्वायर का गुणांक, ये यक्स स्क्वायर इससे गुणांक में एक है, तो एक ये यक्स हो गया, ये यक्स हो गया। अब बी बराबर कितना हो जाएगा 7, ये सी सी बराबर 10, ये ए बी सी के मान आ गए। अब शून्य शून्य को तो शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों की सत्यता की जांच करनी है। सबसे पहले शून्य का योग, तो जिसके लिए हम अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं, जिसके लिए दोस्तों हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको आपको इसके मान निकालना है। तो इसमें निकालने होते हैं मान, देखिए कैसे निकालते हैं मान। अल्फा प्लस बीटा बराबर लिखते हैं हम माइनस बी बाई ए। अब दोस्तों पहले हम इसके शून्य ज्ञात कर लेते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा, बी का मान दिया हुआ है 7, ए का मान दिया हुआ है, तो ये अल्फा प्लस बीटा बराबर आ गया माइनस 7। अब इसी तरह हम निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए, तो सी का मान दोस्तों दिया हुआ है 10 और ए का मान 1, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हो गया 1, ये हमारे शून्य का आ गया। अब दोस्तों कह रहा है सत्यता की जांच कीजिए। दोस्तों देखिए ये शून्य का आ गया, शून्यकों का शून्य क्या मतलब, ये शून्यकों का योग है, शून्यकों का गुणनफल। अब हमको इससे निकालना है जो शून्य हमारे, तो दोस्तों देखिए शून्य निकालने के लिए क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर 7x+10 इसको कर लेते हैं बराबर 0, और इसके करते हैं फैक्टर, इससे यक्ष के मान, जो यक्ष के मान होते हैं वही हमारे होते हैं शून्य, जो यक्ष का मान होता है वो होता है शून्य, इसके हम करेंगे फैक्टर, तो यक्स स्क्वायर। दोस्तों देखिए अब यहाँ पर लगा है चिन्ह प्लस का, प्लस का चिन्ह लगा हुआ, तो हमें ऐसी संख्या लेनी है दो जो जोड़ने से आए 7 और गुणा करने से 10, क्योंकि प्लस प्लस का मतलब जोड़ने से आए 7 गुणा करने से 10। तो दोस्तों क्या करेंगे, 5 और 2, 5 का गुणा 2 में 10, 5 2 7, यह हो जाएगा 5 प्लस 2
टेन बराबर ज़ीरो। दोस्तों ये क्योंकि 5 2 जोड़ेंगे तो 5 2 7 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, 2x + 10 बराबर ज़ीरो। देखिए यहाँ पर एक्स कॉमन मिल रहा है तो एक्स प्लस 5, यहाँ 2 कॉमन मिल रहा है तो एक्स प्लस 2 का भाग 10 में 5 आ जाएगा बराबर ज़ीरो। एक्स प्लस 5 दोनों से कॉमन, उसके बाद बचा जो एक्स प्लस 2 बराबर ज़ीरो, एक्स बराबर -5 हो जाएगा यहाँ से, एक्स बराबर -2। तो जो हमारे शून्यक है वो एक शून्यक होगा, एक्स बराबर -5, दूसरा शून्यक -2। तो इसको मान लेंगे इस अल्फा, इसको मान लेंगे बीटा, तो इसकी जगह मान रखेंगे। तो अल्फा का मान कितना है दोस्तों, -5, प्लस बीटा का मान कितना है, -2। तो प्लस माइनस माइनस, ये दोस्तों देखिए ये 7 आ गया, ये भी 7 आया था, मतलब कि जो शून्यकों का गुणनफल और जो हमने शून्य निकाले और जो शून्य का गुणनफल बराबर आ, तो ये 7 इसकी हो गया। अब इसी तरह गुणनफल में 7 निकालेंगे तो यहाँ पर दोस्तों 10 है, तो -5 × -2, माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 5 का गुणा 2 में 10 हो जाएगा, तो ये भी 10 आ गया, ये भी 10 आ गया। तो इस तरह दोस्तों ये होता है। दोस्तों देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर दोस्तों 2 होगा। दोस्तों देखिए तो इस तरह ये क्या होगा कि ये भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर, ये भी लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड बराबर, इस तरह यहाँ पर लिख देंगे कि ये शून्य के गुणांकों तथा शून्यकों के बीच सत्यता की जांच सिद्ध हुई। जैसे अली के दोस्तों आपको क्वेश्चन कर देना है इंड, तो आपको समझ में आ गया किस तरह करना है, फैक्टर शुरू करना है, उसके बाद आपको ये, चाहे दोस्तों देखिए मैंने आपको पहले करा दिया, ये आपको पहले करा दिया था, उसके बाद ये कराया, आप चाहे शुरू कीजिए, यहाँ फैक्टर से उठाइए, 5 2 मान निकालिए ये, उसके बाद यहाँ पर आप अल्फा के मान भी रखते जाइए, बी ए के मान भी रखते जाइए, साथ में आप सिद्ध कर दें, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 जो इसका दिया हुआ है लघुत्तरी का, दोस्तों वीडियो लगभग 25 मिनट तक की होगी, इसके बाद का जो एक क्वेश्चन बचेगा, लगभग 1 या 2 क्वेश्चन होंगे जो हमारे होंगे लघुत्तरी के और दीर्घुत्तरी के, ये लघुत्तरी क्वेश्चन नंबर मैं बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा बड़ा वीडियो हमारे लिए भी कष्टदायी है और आपके लिए भी कष्टदायी, आपका समय ज़्यादा जाएगा दोस्तों, उसके साथ मेरा भी समय जाएगा, समय के साथ क्या दोस्तों हमारा स्टोरेज इतना ज़्यादा नहीं है मोबाइल में कि मैं आपके लिए 30 35 मिनट का वीडियो बना सकूँ, 25 मिनट से ज़्यादा दोस्तों वीडियो नहीं बना पाऊँगा मैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं इसको, ये दिया हुआ है 3x² - x³ - 3x + 5 को इतने से भाग दीजिए और विभाजन की एल्गोरिथम की सत्यता की जांच कीजिए, हमको इससे इसमें भाग देना है। भाग के लिए आपको पता ही होगा कि इस तरह हम लिख लेंगे इसको, इस तरह हम इसको लिख लेंगे दोस्तों, चाहे तो आप इसको क्रम आप लगा लीजिए या फिर आप इसी तरह कर लीजिए, आपका दोनों तरीके से सही रहेगा, सही माना जाएगा, आप क्रम लगा भी सकते हैं और नहीं भी। चलिए दोस्तों हम बताते हैं आपको, तो आप इसको क्रम लगाइए दोस्तों, क्रम लगाइए, चैनल लगाइए, आप दोनों तरीके से सही रहेगा, हम इसको क्रम में एक बार बैठा लेते हैं अच्छे से, तो उसके बाद लगाने में हमें आसानी रहेगी। तो इसको क्या करेंगे, आरोही क्रम में इसको, मतलब कि जो इसकी बड़ी घात है वो पहले लिख लेंगे, तो -x² फिर +x - 1, इसमें क्या करेंगे -x³, इसमें माइनस प्लस का 3x² -3x + 5, इसको हम पहले लिख लेंगे। ये था हमारा पहले नंबर में ये दिया हुआ था, हमने इसको इससे भाग देना है। उसके बाद दोस्तों हमने क्या किया कि इसको पहले जो बड़ी घातें हैं उनको पहले लिख लिया, जो छोटी घातें हैं उनको बाद में कर दिया, जो ये क्रम होता है हमने उस क्रम में बैठा लिया। अब दोस्तों देखिए हमने, हमें ऐसा गुणा कराना है कि पहला वाला जो सेम आ जाए, पहला वाला सेम आने के लिए आपके पास एक तरीका भी है कि इससे इसमें भाग दे दीजिए, आपको पता चल जाएगा कितने से करना है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है -x³, यहाँ दिया हुआ है -x² ये माइनस माइनस कट जाएगा, अब 3 में 2 घटाएंगे तो घात बचेगी 1, तो यक्स आएगा। तो दोस्तों हमें पता चल गया, अगर यदि हम यहाँ से यक्स का गुणा कराएँ, यक्स का तो यहाँ पर प्लस है तो प्लस माइनस, तो माइनस हो जाएगा, 1 घात और 2 1 घात 3 हो जाएगी, तो यहाँ पर ये हो जाएगा सेम। इसका गुणा इसमें कराएंगे तो बचेगा x², यहाँ बचेगा x². अब दोस्तों देखिए, अब यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर, तो ये जो माइनस वाला चिन्ह है वो प्लस होगा, जो प्लस वाला चिन्ह है वो हो जाएगा माइनस। अब दोस्तों आगे एक चीज़ अभी हमने नहीं किया, x गुणा 1 में नहीं कराया, तो यहाँ पर -x लिख देंगे, 1 का गुणा x में तो -x,
यहाँ पर लगाएंगे प्लस। ये दोस्तों देखिए सेम चीज़ माइनस प्लस कट जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस का मतलब कि 3x² में ये घटेगा तो यहाँ आ जाएगा 2x². अब दोस्तों ये देखिए 3 बड़ा है कि 1x² बड़ा है, 3x² बड़ा कि 1x², तो हमें पता चल रहा है यहाँ पर 3x² बड़ा है, चिन्ह लगा है प्लस का, यहाँ पर प्लस का तो वो चिन्ह लगाएंगे नहीं। इसी तरह इसमें माइनस प्लस माइनस मतलब कि दोनों संख्याएं घटेंगी, 3x में x घटाएंगे बचेगा 2x। अब दोस्तों देखना चिन्ह किस चीज़ का आएगा, 3x x में बड़ा कौन सा है, 3x बड़ा, 3x में चिन्ह किसका लगा है, माइनस का, तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। ये हो गया। उसके बाद यहाँ से देखिए 5 यहाँ पर नीचे नोट कर लेंगे। अब क्या करते हैं, अब हमको इससे इसको इस तरह से मतलब करना है भाग कि ये वाला सेम आ जाए। तो हमने वही फंडा बताया कि इसमें इससे भाग दे दीजिए, 2x² में माइनस x² से भाग दीजिए, x² कट जाएगा या -2 ऊपर पहुँच जाएगा। तो हमें पता चला कि यहाँ पर -2 से यदि हम इसमें गुणा करा दें पूरे में तो हमें पहला वाला सेम मिल जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा दोस्तों, प्लस 2x² प्लस माइनस माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2 माइनस प्लस माइनस, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, यहाँ से बचेगा 5 में हम 2 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 3। दोस्तों आगे तो इसमें कुछ सॉल्विंग होगी नहीं, तो यहाँ पर ये हमारा हो गया भागफल, ये हुआ शेषफल, ये हुआ भाजक, ये हुआ भाज्य। तो ये भाग दीजिए, भाग देने पर यदि इतना कहता कि भाग दीजिए तो भाग देने के बाद हम यहीं पर इस सवाल को, इस क्वेश्चन को यहीं पर स्टॉप कर देते। बट यहाँ पर ये भी कह रहा है कि विभाजन की एल्गोरिथम की सत्यता की जांच कीजिए। विभाजन की एल्गोरिथम आपको पता होगा, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, भाज्य बराबर भाजक इनटू भागफल, उसके बाद प्लस लिखते हैं शेषफल को। तो भाज्य देखिए क्या दिया हो, ये भाज्य है तो हम भाज्य को नहीं लिखेंगे क्योंकि हम अभी देखिए इनका इनका सॉल्व करेंगे तो यही हमारा प्राप्त हो जाएगा। तो भाजक देखिए क्या दिया है, भाजक दिया हुआ है, हम इसको लिखेंगे नीचे वाले को, -x² प्लस एक्स माइनस वन। भागफल क्या आया है, एक्स माइनस टू, शेषफल आया 3। अब दोस्तों देखिए अब इसमें क्या करेंगे, यक्स का गुणा कराएंगे क्यूब में, स्क्वायर में, तो यहाँ हो जाएगा क्यूब और ये माइनस चिन्ह आगे आ जाएगा। यक्स का गुणा कराएंगे यक्स में तो x² हो जाएगा, यक्स का गुणा एक में माइनस यक्स, ये आपको गुणा करा लेना है, माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 2x² माइनस 2x प्लस 2। ये दोस्तों आप इस चीज़ को नहीं कर पाते दोस्तों इस समय, फिर आपकी कंडीशन बहुत ही डाउन है। इस चीज़ को यदि आप नहीं कर पा रहे हैं, गुणा भी नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी कंडीशन इससे दोस्तों बहुत ही डाउन है। माइनस माइनस प्लस 3x 3 2 5, दोस्तों देखिए वही प्राप्त हो गया जो यहाँ पर ये दिया हुआ है, वही प्राप्त हो गया। तो इससे क्या हुआ, ये सिद्ध हो गया। बस दोस्तों इतना करना था इस क्वेश्चन में कि विभाजन की एल्गोरिथमिक सत्यता की जाँच करनी थी, वो जाँच भी हो गई। तो दोस्तों इस वीडियो को मतलब कि इस चैप्टर को हम डिवाइड करेंगे दो पार्ट में, तो एक पार्ट में आपको इतना देखने को मिला, अब दूसरे पार्ट में ये 2 से 3 क्वेश्चन और हैं जो लघु उत्तरी के अभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और जो एक हमारा होता है दीर्घ उत्तरी जो 6 नंबर में आने के चांसेस होते हैं उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आप आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और अभी के लिए वीडियो कर दीजिए दोस्तों के साथ शेयर। धन्यवाद दोस्तों जिसने सब्सक्राइब कर लिया है उसका बहुत बहुत धन्यवाद, बिकॉज कि हम लोगों ने पूरे कर लिए हैं 300 सब्सक्राइबर, तो आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।